आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 8623 पहुंच गया, 102 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 8623, स्वस्थ 5465, एक्टिव 3056, मौत 102। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1938, नैनीताल 1372, टिहरी गढ़वाल 507, हरिद्वार 1739, उधम सिंह नगर 1448, पौड़ी गढ़वाल 239, अल्मोड़ा 322, बागेश्वर 155, चमोली 110, पिथौरागढ़ 184, रुद्रप्रयाग 87, उत्तरकाशी 333, चंपावत 136। देहरादून में कोरोना के मद्देनजर साप्ताहिक बंदी में किया गया बदलाव। रक्षाबंधन के त्यौहार के मद्देनजर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पिछले शनिवार रविवार को शहर में पूर्ण छूट दी गई थी, लेकिन इस बार कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जनपद के अंतर्गत स्थानीय बाजारों में साप्ताहिक बंदी निर्धारित की गई, जिसके लिए पहले से किए गए आदेशों में स्थानीय व्यापारियों और निवासियों के अनुरोध पर साप्ताहिक बंदी दिवसों को निर्धारित किया गया है। वहीं इसके तहत अब देहरादून में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी और शनिवार को किसी भी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा। शनिवार को पूर्ण रूप से छूट रहेगी। डोईवाला क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार को और सहसपुर व सेलाकुई में भी बुधवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साथ ही साप्ताहिक बंदी दिवस में वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। वहीं चंपावत में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, एक की मौत। चंपावत में चतुर बोट के समीप गुरुवार रात एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस घटना में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक को गंभीर चोटें आई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला अपना भवन, सीएम ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अब नया भवन मिल गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को देहरादून के थानो रोड स्थित इस भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक भवन एक साल में बनकर तैयार हो गया। पिछले साल जुलाई में इस भवन का काम शुरू हुआ था। आज ये भवन बनकर तैयार है, जिसका मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकार्पण किया। भवन के लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। यदि बाकी आयोगों की तुलना की जाए तो आयोग ने अब तक 6000 पदों पर भर्ती भी करवा ली है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भर्ती प्रक्रिया में और भी ज्यादा तेजी आएगी। पहाड़ में स्वास्थ्य विभाग खुद ही बीमार, स्वास्थ्य निदेशक के आश्वासन से जगी उम्मीद। प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां लंबे समय से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। लोगों को समय पर बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है, ऐसे में लोगों को अन्य जनपदों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसकी बारंगी पौड़ी में साफ देखी जा सकती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था न होने से लोगों को इलाज के लिए शहरों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी धन व्यय करना पड़ता है। वहीं हल्द्वानी में नियमों की धज्जियां उड़ाते शराब कारोबारी आंखें मूंद बैठा आबकारी विभाग। शहर के कई क्षेत्रों में शराब कारोबारी इन दिनों आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसकी एक बानगी लालकुआं हाईवे पर मिल जाएगी। यहां अंग्रेजी शराब की दुकान का कारोबारी हाईवे किनारे दुकान के होर्डिंग बोर्ड लगाकर खुलेआम प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन आबकारी विभाग ये सब देख कर भी अनजान बना हुआ है। SDM ने की सहकारी समिति के खाद गोदाम पर की छापेमारी। उपजिलाधिकारी को शिकायत मिली कि गैर किसानों को खाद के कट्टे दिए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद समिति कर्मी मौजूदा स्टॉक के 800 कट्टों के वितरण को फिलहाल सही दिखा पाए, लेकिन पूर्व स्टॉक के 242 कट्टों को लेकर वे SDM को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कोरोना से हाहाकार जारी, लक्सर में कोरोना पीड़ित महिला की मौत। लक्सर में एक कोरोना पीड़ित महिला की मौत हो गई। आज डॉक्टर की टीम ने उसके परिवार के लोगों को रैपिड टेस्ट किया और 3 लोगों को अंतिम संस्कार में जाने की परमिशन दी। मानदेय में बढ़ोतरी समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आशाओं का प्रदर्शन। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के बैनर तले 3 दिवसीय आंदोलन में आशा कार्यकर्त्रियों ने पहले दिन 11 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। कोरोना से हाहाकार जारी, लक्सर में कोरोना पीड़ित महिला की मौत। लक्सर में एक कोरोना पीड़ित महिला की मौत हो गई। आज डॉक्टरों की टीम ने उसके परिवार के लोगों का रैपिड टेस्ट किया और 3 लोगों को अंतिम संस्कार में जाने की परमिशन दी। वहीं देहरादून में परेड ग्राउंड में इस बार नहीं होगा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम, जानिए वजह। देहरादून के परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्यीकरण का काम लंबित है, लिहाजा इस बार पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। झबरेड़ा व मंगलौर पुलिस ने 3 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार के रुड़की में पुलिस ने आज अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं डोईवाला में PWD के अधिकारियों ने किया पुल का निरीक्षण।
भारी बारिश के चलते सुसुआ नदी में बाढ़ आने और तेज बहाव के चलते सुरक्षा दीवार का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इससे पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कटाव ज्यादा ना हो इसके लिए क्षतिग्रस्त पुश्ते की मरम्मत का कार्य शीघ्र कराया जाएगा। महिला से अभद्रता, पुलिस को पड़ी भारी, मुकदमा दर्ज। शहर में बाइक से टक्कर लगने के बाद महिला से अभद्रता करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। घटना के बाद महिला की शिकायत पर और उसके साथ ही बाइक चालक की तहरीर पर पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मौका मुआयना कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच की है। वही हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की छापेमारी, 4 अस्पताल पैथोलॉजी लैब सील। लक्सर में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ने के साथ साथ कोरोना से पीड़ित महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और स्वास्थ्य विभाग व तहसील प्रशासन ने सामूहिक टीम के साथ लक्सर के सभी प्राइवेट नर्सिंग होम व सभी पैथोलॉजी लैब पर औचक निरीक्षण किया। लक्सर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि औचक निरीक्षण महिला की मौत के बाद जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर किया जा रहा है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले सावधान, पुलिस की तीसरी आंख सब देख रही है। रामनगर कोतवाली पुलिस को मिले इंटरसेप्टर वाहन का शुभारंभ सीओ पंकज गैरोला के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस मौके पर सीओ पंकज गैरोला ने पत्रकारों को बताया कि रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी लाने के मकसद से वाहनों की स्पीड व अन्य जांच के करने और ऊपर स्पीड वाहनों का चालन करने के मकसद से रामनगर कोतवाली पुलिस को इंटरसेप्टर वाहन दिया गया है। कोरोना उत्तराखंड, विवि परीक्षार्थियों के लिए सर्कुलर जारी, परीक्षा में बैठने के लिए साथ लाना होगा ये कागज। गढ़वाल विवि श्रीनगर ने अन्य प्रदेशों से आने वाले परीक्षार्थियों से सरकार से प्रमाणित लैब का कोरोना नेगेटिव प्रमाण पत्र साथ लाने को कहा है। प्रमाण पत्र यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पूर्व निर्गत होने पर मान्य होगा। विवि के अनुसार प्रमाण पत्र होने से परीक्षार्थियों को केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। विवि के मुख्य परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर SC भट्ट ने बताया कि UGC MHRD के SPO के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में आवागमन में प्रतिबंध हो तो छात्र छात्राओं का परिचय और प्रवेश पत्र पास के रूप में मान्य होगा। हरिद्वार में कोरोना मरीजों को नहीं मिला 2 दिन से खाना तो रात को किया हंगामा। मरीजों का आरोप है कि गुरुवार दोपहर को रुड़की क्षेत्र के इन 15 मरीजों को उक्त होटल में भर्ती किया गया। इन सभी को आधी रात तक भोजन नहीं दिया गया, जिसके बाद रात को सब्र का बांध टूटने के बाद इन मरीजों ने हंगामा कर दिया। इन मरीजों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मरीजों द्वारा बताया गया कि होटल के एक कमरे में बिना सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किए 2 मरीजों को ठहराया गया है। आरोप है कि कोविड केयर सेंटर बनाए गए इस होटल में स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी नहीं था, सुरक्षाकर्मी भी नहीं थे। जब इन मरीजों ने खाना मांगा तो होटल के कर्मचारियों ने अपनी लाचारी जाहिर की और गायब हो गए। रात में 2 बार बिजली बंद हुई, लेकिन जनरेटर तक नहीं चलाया गया। कई बार मरीज होटल परिसर में जमा हुए और विरोध जताया। दून अस्पताल में कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत। राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में शुक्रवार को कोरोना संक्रमित 3 और मरीजों की मौत होगी। बताया जा रहा है कि इन मरीजों को कोरोना के अलावा अन्य गंभीर बीमारियां भी थी। जिन 3 मरीजों की मौत हुई उनमें से 1 देहरादून के सुद्धोवाला और 2 हरिद्वार जिले के रहने वाले थे। नानक सागर जलाशय में बरेली के युवक युवती की मिली लाश। नानक मत्ता के नानक सागर जलाशय में युवक और युवती की लाश मिली है। नानक मत्ता पुलिस व जल पुलिस नानक सागर में उतराती लाशों को किनारे पर लाए। शुक्रवार की दोपहर सूचना मिलने पर नानक मत्ता पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। युवक व युवती के पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर युवक की शिनाख्त किशन लाल 22 वर्ष तथा युवती की शिनाख्त राजकुमारी 21 वर्ष पुत्री प्रेम पाल निवासी रामगंगा नगर बरेली यूपी के रूप में हुई। दोनों के हाथ बंधे हुए थे। पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या मान रही तथा प्रेम प्रसंग को कारण मान रही है। उत्तराखंड रोडवेज का अस्तित्व खतरे में पड़ा, पिछले साल की तुलना में जुलाई में 50 करोड़ का नुकसान। कोरोना काल में उत्तराखंड परिवहन निगम का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बसों का संचालन शुरू होने के बावजूद भी निगम की आय नहीं बढ़ रही। संचालन से सिर्फ डीजल का खर्चा ही उठ पा रहा है। पिछले साल की अपेक्षा रोडवेज को इस बार जुलाई महीने में 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। इससे पहले अप्रैल, मई और जून में करीब 170 करोड़ का नुकसान हो चुका है।